नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जोधपुर ज़िले की सभी विधानसभा सीटों का समीकरण। तो आइए हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि जोधपुर ज़िले के अंदर कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जोधपुर, सरदारपुरा, सूरसागर, भोपालगढ़, बिलाड़ा, लोहावट, लूणी, ओसिया, फलोदी व शेरगढ़ शामिल है। आइए हम बात करते हैं अब एक एक करके इन सभी विधानसभा सीटों का समीकरण के बारे में। तो पहली विधानसभा सीट है सूरसागर, जहाँ से कांग्रेस ने शहजाद खान को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने यहाँ से देवेंद्र जोशी के ऊपर दाव खेला है। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो यह सीट देवेंद्र जोशी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यह सीट बीजेपी जीतने में सफल हो सकती है। अगली विधानसभा सीट है सरदारपुरा। यह विधानसभा सीट विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार अशोक गहलोत को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अशोक गहलोत एक बार फिर से इस सीट को जीतने में सफल हो सकते हैं। जोधपुर विधानसभा सीट, यहाँ से भाजपा ने अतुल बंसाली को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अपनी सिटिंग MLA मनीषा पंवार को इस सीट से मैदान में उतारा है। अब समीकरणों की माने तो यह सीट इस बार अतुल बंसाली के खाते में जा सकती है, क्योंकि इस सीट पर भी 5 साल का रिवाज चलता है, कई एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो यह सीट इस बार भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट है भोपालगढ़, यह SC वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से भाजपा ने कमसा मेघवाल को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से गीता बरवड़ को मैदान में उतारा है। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो यह सीट भी कमसा मेघवाल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यह सीट बीजेपी जीतने में सफल हो सकती है। अगली विधानसभा सीट है लोहावट, यहाँ से कांग्रेस ने किशनाराम बिश्नोई को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो यह सीट कांग्रेस के किशनाराम बिश्नोई के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सीट पर लगातार 5 सालों से अभिषेक चौधरी ने कड़ी मेहनत की थी, उसी का परिणाम है आज किशनाराम बिश्नोई को मिलने वाला है। अब अगली विधानसभा सीट है बिलाड़ा विधानसभा सीट, यह भी SC वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से कांग्रेस ने मोहनलाल कटारिया को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने यहाँ से अर्जुन लाल गर्ग को मैदान में उतारा है। बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो यह सीट भाजपा के अर्जुन लाल गर्ग के खाते में जा सकती है और इस सीट को भाजपा जीतने में सफल हो सकती है। अगली विधानसभा सीट है फलोदी, यहाँ से कांग्रेस ने प्रकाश छंगाणी को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने यहाँ से पब्बाराम बिश्नोई को मैदान में उतारा है। दोस्तों, पब्बाराम बिश्नोई एक फलोदी के बड़े नेता हैं, तो यह सीट इस बार भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट है ओसिया, यहाँ से भाजपा ने बैराराम सियोल को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से दिव्या मदेरणा को मैदान में उतारा है। दिव्या मदेरणा जो कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता है, एक प्रखर नेत्री भी है, तो यह सीट समीकरणों की माने तो दिव्या मदेरणा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर RLP प्रत्याशी का ज़्यादा प्रभाव इस सीट पे ना पड़ा तो, अगर RLP प्रत्याशी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो इस सीट को बीजेपी भी जीत सकती है। अगली विधानसभा सीट है लूणी, यहाँ से कांग्रेस ने जोगाराम पटेल को भाजपा ने यहाँ से जोगाराम पटेल को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से महेंद्र बिश्नोई जो वर्तमान सीटिंग MLA इस सीट से उनको मैदान में उतारा है। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो इस सीट को जोगाराम पटेल जीतने में सफल हो सकते हैं और यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट है शेरगढ़ और यह जोधपुर ज़िले की अंतिम विधानसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस ने अपनी वर्तमान सीटिंग MLA मीना कंवर को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने यहाँ से वसुंधरा गुट के नेता माने जाने वाले बाबू सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। अब बात की जाए इस सीट के समीकरण की, तो बाबू सिंह राठौड़ इस सीट पर पूर्व में विधायक भी रह चुके और पिछला चुनाव इन्होंने मात्र 785 वोटों के अंतर से हारा था, तो कयास यह लगाए जा रहे हैं कि इस बार इस सीट को बाबू सिंह राठौड़ जीतने में सफल हो सकते हैं और यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों, यह था जोधपुर ज़िले की 10 विधानसभा सीटों का समीकरण जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको इन समीकरण में से अगर हमारे आंकड़े गलत लगते हैं तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जहाँ जहाँ पर आपको हमारे आंकड़े गलत लगे वहाँ पर आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इस सीट पर यह पार्टी जीतने वाली है और हमने उस पार्टी को जिताया है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।